हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। आज मैं आपके सामने एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी यम्मी और डिलीशियस बनता है, तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। आज मैं स्वीट डिश जर्दा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस कप से मैंने एक गिलास चावल वॉश करके मैंने पतीले में रख दिया है पानी के साथ साथ। फूड कलर मैंने डाला है, थोड़े से खड़े मसाले हैं, छोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये मैंने डाला है। टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने। अब मैं चावल को पका रही हूँ। जैसे नॉर्मल चावल पकाते हैं वैसे ही मैंने पकाया है ये चावल को। देखिए हमारा चावल 10 मिनट्स में रेडी हो गया है। अब मैं इसे कुछ देर बाद स्ट्रेन कर लूँ। देखिए हमने चावल को स्ट्रेन कर लिया स्ट्रेनर पे रख के। अब मैं एक पतीले में घी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। 1/2 कप मैंने वाटर डाला, मैंने कवर कर दिया। अब मैंने ओपन किया है लिड। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून कर्ड डालूंगी। मैं हमारी घर की मलाई है ये भी मैंने डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसी कप से मैंने चावल लिया था, उसी कप से मैंने शुगर लिया है। मैंने 1 कप शुगर डाल दिया। अब मैं इसे मिक्स करूंगी ताकि ये कर्डल ना हो। पूरा इसे मिक्स करना है। जब ये पूरा मिक्स हो जाए हमारा मिक्सचर, तो ये चावल जो मैंने बनाया था स्ट्रेन करके रखा था वो मैं डालूंगी इसमें। पूरा चावल मैंने डाल दिया इसमें। कुछ ड्राई फ्रूट हैं, कैशू हैं, आलमंड हैं, किशमिश हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकती हैं, पिस्ता भी आप डाल सकती हैं। ये चेरीज़ है हमारे पास टूटी फ्रूटी, वो मैंने डाला है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। मैंने लिड कवर कर दिया है। इसको 15 मिनट्स लो फ्लेम पर मैं रख दूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स देखिए हमारा ये ज़रदा रेडी हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा स्वीट डिश है, झटपट बन जाने वाला। देखिए मैं अब सर्व कर रही हूँ। अंडे होने पर और भी टेस्टी लगते हैं खाने में। इस तरह से आप अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिला सकती हैं। काफ़ी यम्मी डिश है ये, स्वीट एंड यम्मी डिश। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दिस डिश इज़ राइट नाउ रेडी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।